स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल स्टार मैकेनिकल क्लासेस में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी कि डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स चल रहा है किसी भी ब्रांच का। दोस्तों आप चाहे सिविल हो, CS हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सबका सेम मैथमेटिक्स चलता है, तो उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो आता है आपका सेक्शन है यानी कि खंड ए, बीजगणित। तो दोस्तों बीजगणित में जैसे आप लोगों को पढ़ना है समांतर श्रेणी, यहाँ पर आप देख सकते हैं समांतर श्रेणी है, गुरुत्तर श्रेणी है, द्विपद परिमेय है और सारणिक है। इतने जो चैप्टर हैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ वो खंड ए यानी कि सेक्शन ए से आपको इतने चैप्टर्स के स्टडी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। और दोस्तों मैं बता दूं कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त सेमेस्टर की तैयारी कराई जाएगी और आपके एग्जाम खत्म होने से पहले पहले तक आप लोगों का पूरा कोर्स खत्म करा दिया जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर ज़रूर बने रहें। और दोस्तों आइए इसके बाद देखते हैं हम जैसे सेक्शन बी जो है हमारा खंड बी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो यूनिट है फ्रेंड्स हमारा वो है क्या, सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में देखें तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, सदिशों का योग व अंतर यानी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दोस्तों इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पे जो आता है सदिशों का वियोजन, तीसरे नंबर पे जो है फ्रेंड्स दो सदिशों का अदिश गुणन है, और चौथे नंबर पे जो इसमें चैप्टर फ्रेंड्स दो सदिशों का सदिश या वरज गुणन, और पाँचवें नंबर पे जो दोस्तों चैप्टर आता है उसका नाम है अदिश व सदिश त्रिगुणनफल। और फ्रेंड्स इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स जो यूनिट स्टार्ट होगा आप लोगों का वो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिकोणमिति करके स्टार्ट होगा आपका। तो दोस्तों आपको त्रिकोणमिति में कौन कौन सा चैप्टर है उस चीज़ को मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि त्रिकोणमिति में फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है त्रिकोणमिति या समीकरण पढ़ना है, और फ्रेंड्स त्रिभुज की भुजाएँ और कोणों में संबंध पढ़ना है, समवृत्त संख्या है, डिमोयवर का परिमेय पढ़ना है फ्रेंड्स, प्रतिलोम वृत्तीय फलन तथा अपरवलयक फलन पढ़ना है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे, इतने चैप्टर पढ़ के आप त्रिकोणमितीय यूनिट को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों इसके बाद जो रहेगा वो हमारा रहेगा निर्देशांक ज्यामिति। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति में जो आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला दोस्तों जो है आपका वो है परवलय यानी कि पैराबोला है, जो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंटर्स में पढ़ के आए हैं लेकिन यहाँ पे आपको दोबारा पढ़ाने जाने वाला है। और दोस्तों बता दूँ जो दूसरा इसमें वो है दीर्घवृत्त, और तीसरा जो है फ्रेंड्स अति परवलय, इनका अति परवलय यानी कि हाइपरबोला। ये सारे चैप्टर्स जितने भी हैं फ्रेंड्स अगर आपने ट्वेल्थ जो है अगर मैथ से किया है तो इन सारे चैप्टर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाया जाएगा। सो दोस्तों आइए इसके बाद का देखते हैं कि इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके बाद जो हमारा सेक्शन 5 यानी कि त्रिमीय निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले फ्रेंड्स क्या है, द पॉइंट इन स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में बिंदु, और दूसरे नंबर पे जो दोस्तों आता है वो है समतल यानी कि प्लेन, और तीसरे नंबर पे जो आता है फ्रेंड्स सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन, और चौथे नंबर पे जो आता है आपका चैप्टर फ्रेंड्स गोला यानी कि स्फीयर। दोस्तों इसके बाद का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो बहुत वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में से होगा जिसका नाम है फ्रेंड्स अवकलन, जो बहुत सारे छात्रों की कमजोरी रहती है, उन्हें डिफ्रेंशिएशन नहीं आता और इंटीग्रेशन नहीं आता। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाया जाएगा, एकदम बेस क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूँ सबसे पहले क्या पढ़ना है, फलन यानी कि फंक्शन, और दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स लिमिट, तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स सत्यता तथा अवकालनीयता पढ़ना है यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी, चौथे नंबर पे जो दोस्त क्या है अवकलन है, उत्तरोत्तर अवकलन है, अवकलन की सरल उपयोग है फ्रेंड्स, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब है। इतने चैप्टर्स हैं जिसको आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा दोस्तों। और जो आपका लास्ट वाला चैप्टर इसमें स्पर्श रेखा तथा अभिलंब और उचिष्ट तथा निम्ननिष्ठ यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, इन सारे चैप्टर्स का डिस्कशन जो है बहुत ही जीरो लेवल से चलेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से चलेंगे। तो दोस्तों आइए इसके बाद का जो यूनिट स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूं वो क्या है, समाकलन गणित। तो समाकलन गणित में दोस्तों आपको कौन कौन सा चैप्टर्स है जो आपको पढ़ना है, जैसे कि पहले नंबर पे है समाकलन है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है दोस्तों, और तीसरे नंबर पर क्या फ्रेंड्स खंडसा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट, और चौथे नंबर पर क्या फ्रेंड्स आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, और जो चौथे नंबर पर है कुछ महत्वपूर्ण समाकलन है जो आपको पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो पाँचवें नंबर पर आता है वो है अपरिमेय फलनों का समाकलन, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो है फ्रेंड्स निश्चित समाकलन यानी कि डिफिनेट इंटीग्रेशन, वक्रों के चापों की लंबाइयाँ, और फ्रेंड्स समाकलन द्वारा क्षेत्रफल। फ्रेंड्स इन सारे चैप्टर्स को है जितने इंपॉर्टेंट, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकते हैं आपके सेमेस्टर
के दृष्टिकोण से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पढ़ाया जाए दोस्तों। तो इतने सारे चैप्टर हैं जो दोस्तों आपको पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पे है अपरिमेय फलनों का समाकलन, निश्चित समाकलन, वक्रोचापों की लंबाई, समाकलन द्वारा क्षेत्रफल, ठोसों का आयतन तथा पृष्ठ, मध्यमान। तो दोस्तों मैं बता दूँ, इस तरीके से मैं आपको बता दूँ कि इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से और जितने भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उस सारे क्वेश्चन को आपके एग्जाम से पहले कर दिया जाएगा दोस्तों। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा आपको। और दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी स्टार्ट करा दी गई है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी छात्र, जितने भी तरीके के छात्र हैं, अपने सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। सो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स के पहले लेक्चर के साथ।